तो गाइज आज मैं आप लोगों के लिए बहुत अमेजिंग वीडियो लेके आया हूँ। आज मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने वाला हूँ वाटर कलर विद रॉक डिजाइन, जो कि ये बैकग्राउंड फॉर्म में है और आप इस बैकग्राउंड को अपनी फोटो को डेकोरेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे किसी भी फोटो का अगर आपको बैकग्राउंड चेंज करना है तो अगर इस टाइप के अगर आप बैकग्राउंड यूज करते हैं तो बहुत ही सॉवर लुक देते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल होता है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको आगे जाके बताने वाला हूँ कि क्या क्या ट्रिक्स हो सकती है, क्या क्या मैनिपुलेट आप कर सकते हो, किस ढंग से आपको एडिट करना है, किस ढंग से आपको अपने यहाँ पे फोटो लगानी है। हर एक चीज़ों के ऊपर मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ कि कैसे आपको सारा काम करना है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा जरूर वॉच करें, जिससे कि आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी और आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा। तो गाइस हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा चलते अपने सब्जेक्ट की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेंटी रॉय चैनल, मैं हूँ आपका दोस्त सेंटी रॉय। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो आप प्लीज मेरे चैनल को यहां से सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद यहां पे बेल आइकन आता है, तो आप वहां पे जरूर क्लिक करें। इससे ये होगा जो मेरे फ्यूचर में वीडियो आने वाले हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा, जिससे कि आप वीडियो को देख सकेंगे और उसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। और गाइस मैं आप लोगों को छोटी सी और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। आपको स्क्रीन के ऊपर एक नंबर दिखाई दे रहा होगा, ये व्हाट्सएप का नंबर है। इस नंबर को आप अपने मोबाइल के अंदर कॉपी करके व्हाट्सएप के थ्रू मेरे से बात कर सकते हैं, मेरे से किसी भी सॉफ्टवेयर की जानकारी ले सकते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर मेरे से ले सकते हैं। एक्चुअली मैं एक डेवलपर हूँ, काफी सारे सॉफ्टवेयर मैंने डेवलप किए हैं जो कि मार्केट में चल रहे हैं, और सारे के सारे जो मेरे सॉफ्टवेयर वो ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड है और फुली ऑटोमेटिक है, सिंगल क्लिक के साथ काम करते हैं। अगर आपका भी कोई ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड वर्क है, जैसे कि सबलिमेशन से रिलेटेड वर्क, अगर आप पासपोर्ट वगैरह बनाते हैं, या तो फिर अगर आपका एल्बम डिजाइनिंग का वर्क है, या फिर बैनर बना रहे हैं, या फिर किसी भी टाइप का एडिटिंग का वर्क अगर आप कर रहे हैं, या फिर कंप्यूटर से रिलेटेड किसी भी टाइप का ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड वर्क कर रहे हैं, तो इस नंबर के थ्रू आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर की जानकारी लेने के लिए, किसी भी सॉफ्टवेयर को बाय करने के लिए बहुत ही चीप प्राइस के अंदर, क्योंकि मैं एक डेवलपर हूं और मैं काफी सारे सॉफ्टवेयर डेवलप करता हूं और आने वाले टाइम पे भी काफी सारे सॉफ्टवेयर मैं आप लोगों को डेवलप करके प्रोवाइड जरूर करूंगा। तो इस नंबर को आप सेव करें और मेरे से किसी भी सॉफ्टवेयर की जानकारी के लिए मेरे से कॉन्टेक्ट करें। तो अभी हम लोग चलते हैं अपने सब्जेक्ट की तरफ। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको रॉक और वाटर कलर दोनों का मिक्सअप टाइप से कुछ बैकग्राउंड प्रोवाइड करूंगा, जो कि आप अपने फोटो के साथ यूज करेंगे। ठीक है गाइस, कैसे यूज करना है मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक विनार की फाइल रखी है, ये विनार की फाइल आपको एक्सट्रैक्ट करनी होगी। एक्सट्रैक्ट करने के लिए आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद एक्सट्रैक्ट फाइल लिखाएगा, आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहां से आपको ओके के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप ओके के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपकी जो फाइल है वो एक्सट्रैक्ट हो रही है। एक्सट्रैक्ट होने के बाद हम लोग चलेंगे अपनी एडिटिंग के ऊपर। अगर आपका भी फोटो एडिटिंग से रिलेटेड वर्क है, या फिर किसी भी टाइप की ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड वर्क है, तो ये चैनल में जो मैं आप लोगों के लिए कंटेंट डालता हूँ, जो वीडियो डालता हूँ, वो आप ही लोगों के लिए होते हैं, जिससे कि आपकी नॉलेज और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी और काफ़ी सारी चीज़ें मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता हूँ जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आप जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो की कंटेंट आप लोगों को बिल्कुल सही टाइम पे मिल सके और मेरे चैनल के ओल्ड वीडियो भी आप चेक कर सकते हैं, वहां से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो यहां पे जो हम लोग की फाइल है वो ऑलमोस्ट एक्सटेंड हो चुकी है। एक्सटेंड होने के बाद मेरे पास वाला फोल्डर है, इस फोल्डर को मैंने यहाँ पे रख दिया है। यहाँ पे मैं आपको फोल्डर के अंदर लेके जा रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं फोल्डर के अंदर आपको काफी सारी फाइल्स दिखाई दे रही है। फाइल्स के अलावा आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में एक फोल्डर दिखाई दे रहा होगा। अगर आप मैक कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, मैक ओएस यूज कर रहे हैं, तो आपको ये वाला बैकग्राउंड यूज करने हैं। अगर आप मैक यूज नहीं कर रहे हैं, विंडोज यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको काफी सारी फाइल्स दिखाई दे रही होगी। ये सारी फाइल आपकी विंडोज में वर्क करेगी। इसके अलावा यहाँ पे तीन फाइल्स दिखाई दे रही है, ये दोनों गूगल क्रोम को जो URL है ये मेरी वेबसाइट के हैं। आप इसके ऊपर डबल क्लिक करके मेरी वेबसाइट पर जंप कर सकते हैं, वहाँ पे आपको काफी सारे कंटेंट मिलेगा, काफी सारी चीजें मिलेगी सीखने के लिए, तो वहाँ पे आप जरूर जाएं। तो यहाँ पे आपको एक नोटपैड की फाइल दिखाई दे रही है, आप इसको डबल क्लिक करके यहाँ पे पढ़ सकते हैं। मेरी वेबसाइट के बारे में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो यहाँ पे आपके पास काफी सारे बैकग्राउंड है जो कि अभी ओपन नहीं हुए, वो धीरे धीरे करके ओपन हो रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे के सारे बैकग्राउंड जो बहुत अच्छे रेजोल्यूशन की फाइल्स है। अगर एक एक बैकग्राउंड की बात करें तो वो 82 MB, या तो फिर 63 MB, 69 MB, ऐसे करके आपके पर बैकग्राउंड है। तो जो बैकग्राउंड की जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी है। इस क्वालिटी को आप कितने भी बड़े से बड़े साइज में प्रिंट आउट कर सकते हैं, आपकी जो फोटो वो ब्लर नहीं होगी। ठीक है, तो अभी क्या करना है, अभी हम लोग को यहाँ से कोई सा बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है और अपने फोटोशॉप में ओपन करना है। आप फोटोशॉप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, फोटोशॉप 7 से लेकर CC 2023 तक यूज़ कर सकते हैं। इवन फोटोशॉप का जो बीटा वर्जन है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास फोटोशॉप CS6 ओपन है, तो मैं आपको इसी के साथ काम करके दिखाऊंगा। तो यहाँ से मैं लास्ट वाली इमेज को ड्रैग करके फोटोशॉप में लेके जा रहा हूँ, यहाँ पे मैं इसको छोड़ देता हूँ। तो यहाँ पे जो मेरी इमेज है वो ओपन हो गई है। मैं आप लोग को एक बार इमेज का साइज चेक करवाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 300 रेजोल्यूशन है इसका, और जो उसका साइज है इंचिस में 20x30 इसका जो साइज है, बहुत ही बढ़िया साइज है। 20x30 साइज का इसका रेशियो है। आप इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों में ही यूज कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि इसको मुझे अगर सेम टू सेम ऐसे ही यूज करना है, तो बैकग्राउंड आपके पास ऑलरेडी है। अब आपको अपनी फोटो चाहिए जो कि कटिंग फोटो होनी चाहिए, आपको यहाँ पे प्लेस करनी है। तो मेरे पास काफी सारी ऑलरेडी कटिंग पिक्चर रखी हुई है, तो मैं जा रहा हूँ फाइल पे, प्लेस पे जा रहा हूँ।
प्लेस पे जाने के बाद जहाँ पे मेरी फोटो जो रखी हुई मैंने कटिंग करके, वाले फोल्डर को मैं ओपन करूँगा। उसके बाद अपनी फोटो को मैं डबल क्लिक करके यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। तो जस्ट लाइक मैं ये वाली इमेज को सिलेक्ट कर रहा हूँ, मैंने डबल क्लिक कर दिया, मेरी इमेज यहाँ पे आ गई है। उसके बाद मैं अपनी इमेज को नीचे रख के कंट्रोल टी लगा हुआ था, इसको अपने इमेज के अकॉर्डिंगली इसको ऐसे करके मैंने बढ़ा लिया। बढ़ाने के बाद मैंने इसको ऐसे डबल क्लिक कर दिया। तो बस इतना सही काम है, आपकी जो डिज़ाइन है वो रेडी है ऑलरेडी। अब इसको आप सेव कर सकते हैं, सेव करके डायरेक्टली आप प्रिंटआउट निकाल सकते हैं, जो कि बहुत ही अमेजिंग और ब्यूटीफुल आपको दिखाई दे रहा होगा इस वक्त। अगर आप इसको हॉरिजॉन्टल में बनाना चाहते हैं तो हॉरिजॉन्टल के लिए आपको क्या करना होगा, मैं इस बैकग्राउंड को ही यूज़ करूँगा। मैंने अपनी फोटो को डिलीट कर दिया, आपको जाना होगा इमेज पे। इमेज पे जाने के बाद आपको जाना है इमेज रोटेशन पे, उसके बाद 90 डिग्री पे आप घुमा दो इसको। घुमाने के बाद आपकी इमेज कुछ ऐसे हो जाएगी। ऐसे आने के बाद मैं इसको और घुमाना चाहता हूँ, लगभग 180 डिग्री पे घुमा देता हूँ मैं इसको। 180 डिग्री में घुमाने के बाद ऑरेंज कलर नीचे की तरफ आ गया और ब्लू कलर ऊपर की तरफ चला गया। अब मैं यहाँ पे अपनी कोई सी इमेज डालता हूँ, यहाँ पे आ गई मेरी इमेज, इमेज को मैंने ऐसे रखा, इसको थोड़ा सा मैं बढ़ा लेता हूँ ऐसे करके। तो यहाँ पे मैंने इसको सेट कर दिया कुछ इस ढंग से। तो यहाँ पे भी आपकी इमेज जो है वो सेट हो चुकी है। अब आप इसको डायरेक्टली प्रिंटआउट निकाल सकते हैं या फिर कहीं पे मूव करना तो वहाँ पे मूव कर सकते हैं इसको। तो ये तो हो गया, आप अपनी फोटो कैसे लगाएंगे, आपकी फोटो कटिंग करके रखना है और सीधा यहाँ पे पेस्ट कर देना है और बाकी सब कुछ ठीक है। अब चलते हैं हम लोग मैनिपुलेट के ऊपर कि आपको बैकग्राउंड को या फिर फोटो कैसे मैनिपुलेट करना है। हम लोग इसी बैकग्राउंड के साथ करेंगे, बाकी के जो बैकग्राउंड है उसके साथ आप खुद से कर सकते हैं, मैं आप लोगों को सिर्फ सिखाना चाहता हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। गाइज यहाँ पे आप लोगों को एक सॉफ्टवेयर दिखाई दे रहा होगा, इस सॉफ्टवेयर का नाम है पासपोर्ट टूलकिट 4.0। ये एक सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से आप अपने पासपोर्ट या फिर स्टैम्प या फिर B2 साइज की फोटो को ऑटोमेटिकली जनरेट कर सकते हैं। अगर आपके पास स्टूडियो है या फिर आउटडोर का काम करते हैं लेकिन आप पासपोर्ट का भी काम करते हैं, जैसे कि स्कूल की पिक्चर्स होती हैं जिसको आप पासपोर्ट में निकालते हैं या फिर स्टैम्प साइज निकालते हैं या फिर B2 निकालते हैं, तो ये सॉफ्टवेयर आपकी पूरी मदद करेगा। इस सॉफ्टवेयर के अंदर ऑलमोस्ट सारे फीचर दिए हुए हैं, आप इसमें पासपोर्ट बना सकते हैं, स्टैम्प बना सकते हैं, B2 बना सकते हैं और ऑटोमेटिकली कलर करेक्शन भी यहाँ पे दिया हुआ है, स्मूथ भी दिया हुआ है। अगर आपको मैनुअली कलर करेक्शन करना है तो यहाँ पे आपको टूल्स दिया जा रहा है, इस टूल्स की मदद से आप अपनी फोटो के अंदर दाग धब्बे वगैरह सब कुछ हटा सकते हैं, फुली ऑटोमेटिक है। लेकिन अगर आपको शर्ट्स वगैरह चेंज करनी है, टी शर्ट चेंज करनी है या सूट लगाना है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। फोटो को आप ब्लैक एंड व्हाइट में प्रिंट आउट कर सकते हैं, नेम एंड डेट के साथ भी प्रिंट आउट कर सकते हैं, फुली ऑटोमेटिक है। यहाँ पे आपके पास बैकग्राउंड चेंज के लिए ऑप्शन दिया है, ये सारे बैकग्राउंड आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास रिमोट ऑप्शन है, अगर आपको एक फोटो तक भी निकालनी है तो आप वो भी निकाल सकते हैं। अगर जितनी मर्जी फोटो की क्वांटिटी करनी है, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15, 16, 17, 18 जितनी भी फोटो की क्वांटिटी करनी है आप यहाँ पे कर सकते हैं। पासपोर्ट साइज और स्टैम्प साइज दोनों के अंदर दिया हुआ है और यहाँ पे आपके पास पेजेस का साइज दिया हुआ है कि किस पेज में आपको प्रिंट आउट करना है, 4:6 में, 5:7, 6:8 वगैरह सब चीज़ यहाँ पे दिया हुआ। गाइज आप लोगों के लिए सॉफ्टवेयर बहुत ही बेस्ट है और यहाँ पे और भी अमेजिंग ऑप्शन है, बैच का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। बैच का ऑप्शन का मतलब ये है कि अगर आप स्कूल या फिर कॉलेजेस के काफ़ी सारी पिक्चर्स खींचते हैं, मान लेते हैं कि आपने एक क्लास में 150 बच्चों की पिक्चर खींची और 150 बच्चों को आपको पासपोर्ट साइज बना के देना है, तो आपको क्या करना होगा, क्रॉप करना होगा, कटिंग करना होगा, उसके बाद आपको हर एक पिक्चर को सेट करना पड़ेगा। लेकिन इस सॉफ्टवेयर की मदद से आप बैच में अपनी फोटो क्रॉप भी कर सकते हैं और बैच में अपने पासपोर्ट या फिर स्टैम्प काफ़ी सारे मल्टी फोटो को साथ आप एक सिंगल क्लिक में काम कर सकते हैं। मतलब एक सिंगल क्लिक में अगर आपने जितनी मर्जी फोटो खींची होगी वो सबको आप पासपोर्ट में जनरेट करके प्रिंट आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारे अमेजिंग ऑप्शन है। अगर आपके पास भी स्टूडियो है, अगर आप भी पासपोर्ट या फिर स्टैम्प या B2 साइज की फोटो के साथ एडिटिंग करते हैं तो ये सॉफ्टवेयर आपके लिए बिल्कुल बेस्ट है। आपको स्क्रीन के ऊपर एक नंबर दिखाई दे रहा होगा, इस नंबर के थ्रू मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के लिए। ये व्हाट्सअप का नंबर है, व्हाट्सएप के थ्रू आप मेरे से कॉन्टैक्ट करके इस सॉफ्टवेयर की जानकारी ले सकते हैं, इस सॉफ्टवेयर में से ले सकते हैं। वैसे आपको मैं इस सॉफ्टवेयर का वीडियो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन एरिया में दे दूंगा, वहाँ पर जाकर आप वीडियो चेक कर सकते हैं और वहाँ से भी आप सॉफ्टवेयर को ले सकते हैं, वहाँ पर भी आपको हर जगह मेरा नंबर दिखाई देगा। तो अभी हम लोग अपने सब्जेक्ट पे चलते हैं। यहाँ पे जो मेरी फोटो है उसका बैकग्राउंड को अभी हम लोग मैनिपुलेट करेंगे। तो सबसे पहले तो आप बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लो, यहाँ पे बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लिया आपने, उसके बाद कुछ नहीं करना, आपको अपना कलर बैलेंस ओपन कर लेना है। कलर बैलेंस ओपन करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं फोटो की तरफ, मैं थोड़ा फोटो को जूम कर लेता हूँ। यहाँ पे फोटो में ध्यान देंगे, मैं थोड़ा सा शेयर बढ़ा रहा हूँ, शेयर बढ़ाते के साथ ही ब्लू कलर बढ़ता जा रहा है, नीचे का ऑरेंज कलर गायब हो गया। ठीक है, अगर मैं रेड की तरफ कर रहा हूँ तो ऑरेंज कलर ज़्यादा हो रहा है, ऊपर की तरफ डार्क हो रहा है। अगर मैं इसको जीरो कर देता हूँ तो ग्रीन की तरफ चलते हैं, ग्रीन होता गया, यहाँ पे थोड़ा सा पर्पल या फिर पिंक बोल सकते हैं वो हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा येलो हो गया और यहाँ पे थोड़ा सा ब्लू हो गया। तो ये सारे कलर के कॉम्बिनेशन करके आप काफ़ी सारे अमेजिंग डिज़ाइन बना सकते हैं, मतलब कि अमेजिंग टाइप से कलर्स में बना सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही यूनिक टाइप से आपके यहाँ पे बनते जा रहे हैं। तो कुछ इस ढंग से आप मैनिपुलेट कर सकते हैं, यानी कि कलर चेंजेस कर सकते हैं, या तो फिर एक थोड़ा सा और मैं आपको बताता हूँ, इस बैकग्राउंड की एक कॉपी बना लो आप। ये कॉपी बना ली, इस कॉपी को आप अपनी फोटो के ऊपर लेके जाओ लेयर पे, तो आपकी फोटो इस लेयर के पीछे है। उसके बाद यहाँ पे जो नॉर्मल लिखा हुआ है ये नॉर्मल पे आप क्लिक कर दो और उसके बाद कीबोर्ड से एक एक करके आप नीचे करते जाओ। नीचे करने के बाद आपकी जो फोटो है वो कुछ ऐसी दिखाई देगी, जो भी आपको इफेक्ट अच्छा लग रहा है
उस इफेक्ट के ऊपर आप अपने डिजाइनिंग को रख सकते हैं, मतलब कि आप अपने प्रिंट आउट को निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप देखते जा रहे हैं, मैं एक एक करके नीचे करते जा रहा हूँ, जो भी आपको अच्छा लग रहा है आप वो वाला ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट करके रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखें, मैं एक एक करके कर रहा हूँ, आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने कर दिया तो ये ह्यूज था, ये कुछ ऐसा हो गया। तो आप ऐसे भी रख सकते हैं, जैसा आपको सही लग रहा आप वैसा रख सकते हैं। अब मैं आपको तीसरा तरीका और बता देता हूँ। जैसे कि मैंने इस वाले बैकग्राउंड को यहाँ से हटा दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक कलर लेयर बना रहा हूँ, तो एक नई लेयर बना ली मैंने। उसके बाद यहाँ पे जो मेरे कलर ग्रेडियंट्स थे, ये कलर ग्रेडियंट्स पे मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ से कोई सा भी कलर ग्रेडियंट्स आप ले सकते हैं। यहाँ से मैंने जस्ट लाइक ये ऑरेंज और येलो वाला लिया और यहाँ पे मैंने लाइन खींच दी अपनी फोटो के ऊपर। लाइन खींचने के बाद जो आपने नई लेयर बनाई थी उस लेयर के ऊपर ये कलर चढ़ जाएगा आपका। तो यहाँ पे कलर आ गया। कलर आने के बाद ये जो आपने किया था नॉर्मल वाला ऊपर से, इसको क्लिक करके आप यहाँ पे सॉफ्ट कलर पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे आप स्क्रीन के ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा, या फिर यहाँ पे आप ओवरले पे क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा हो जाएगा। डायरेक्टली आप ह्यूज के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं तो आपको ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, जो ये सारे ऑप्शंस आप चेक कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली कि कैसे आपको काम करना है। तो आई होप गाइस आप लोगों को समझ आ गया होगा जो चीज़ मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। बहुत ही यूनिक कंटेंट है, बहुत अच्छी रेजोल्यूशन की फाइल है। आप इस फाइलों को जरूर यूज़ करें अपने एडिटिंग के लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेस्ट और बहुत ज़्यादा अच्छा दिखाई देने वाला है आपको। अगर आप लोगों को मेरा सिखाने का तरीका अच्छा लगे, या फिर अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट अगर अच्छा लगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, एक अच्छा सा कमेंट जरूर करें, और हो सके तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर करें। तो गाइस मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो पे। आई होप यू गाइस एंजॉयड द वीडियो। इफ यू रियली डिड, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड ऑफ कोर्स सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। लव यू गाइस।